हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं कि जब हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो, और रखने के बाद उसे जब हम टॉर्क के अगेंस्ट घुमाएंगे तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने टॉर्क को समझा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा, और मैग्नेटिक बार मैग्नेट की वजह से उसके एक्सियल, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इससे पहले जो हम लोगों ने टॉर्क निकाला था, उस टॉर्क के रिजल्ट को अगर हम यहाँ पर लिख लें तो ये था कि mb साइन थीटा इसका यूज है, इसमें इस वजह से इसे लिख ले रहे हैं। यहाँ पर है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए बार मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम बार मैग्नेट को रख देते हैं। ये एक बार मैग्नेट है जिसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब देखें, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा F=mb, और इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा जो होगा F=mb। ये थीटा है और ये इस तरह मूव करेगा, ये इसके जो मोशन का ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, तो जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अगर हम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहीं स्टोर होगा जब आप किसी फोर्स के अगेंस्ट काम कीजिएगा, फोर्स के अगेंस्ट जहां भी काम कीजिएगा वो काम पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो अगर हम ये जो मूवमेंट है इसका, ये इस तरह है, इस तरह क्लॉकवाइज, तो अगर हम इसे एंटी क्लॉक मूव कराएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा क्योंकि हम यहां पर टॉर्क के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम इस बार मैग्नेट को स्मॉल एंगल मूव कराएं, इफ वी रोटेट दी बार मैग्नेट, ठीक है, इफ वी रोटेट दी बार मैग्नेट अगेंस्ट दी टॉर्क, अगेंस्ट दी टॉर्क, देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन बार मैग्नेट, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि इफ वी रोटेट डी थीटा, देन वर्क विल ऑल्सो बी स्मॉल। ठीक है, कितना स्मॉल होगा, तो देखिए dW=tau d थीटा, यहां पर टाउ के वैल्यू को वहां से पुट कर देंगे जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था, mb sin theta d theta। ठीक है, dW, अब यहां पर पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए dW=, इंटीग्रेशन mb sin theta d theta। ठीक है, तो dW का इंटीग्रेशन W, और इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो m और b कॉमन निकल, कांस्टेंट है, निकल जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 sin थीटा d थीटा। याद रखिए ये सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल के से रिलेट कर रहा है, पूरा प्रोसेस, पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में वो कंसेप्ट है तो ये भी इजीली समझ में आएगा आपको, या फिर ये लगेगा कि आप उसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2, तो W=mb, और यहां पर माइनस को बाहर ले आते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट से, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। और यही वर्क स्टोर हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो W को U लिख देंगे, माइनस mb कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम स्पेशल केस लें
कि अगर हम इफ थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा कर दें एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा 2 की जगह थीटा डाल दे, थीटा 1 की जगह 90 डिग्री, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, देखिए u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी, ठीक है, कॉस थीटा माइनस और कॉस 90 होता है जीरो, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें स्पेशल केस देखिए, इसमें अगर हम स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस, ठीक है, अगर हम थीटा की जगह जीरो डिग्री डाल दें तो यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी कॉस जीरो डिग्री, जो कि यू इज इक्वल टू माइनस एम बी, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। अगर हम थीटा इज इक्वल टू डाल दें 90 डिग्री तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, क्योंकि कॉस 90 होता है जीरो, और अगर हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री डाल दें तो यू हो जाएगा एम बी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये इसके स्पेशल केस है, और आपने देखा कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, और वही टॉर्क के अगेंस्ट अगर आप रोटेट कराएंगे तो वही रोटेशन जो वर्क होगा रोटेट कराने में, वो वर्क स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेम टू सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लें और उसके पूरे कंसेप्ट को समझे, पूरे टॉपिक को, फिर मैग्नेटिक डाइपोल लें उसके पूरे कंसेप्ट को समझे, तो आपको देखने को मिलेगा कि सब एक जैसा ही है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।